ऐसा सिचुएशन, अब हम आ जाते हैं प्रोसेस सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट। मेरा अब ये टारगेट है और इसके लिए मैं एक ये न्यूमेरिकल करवाऊंगा, लेकिन इस न्यूमेरिकल को करवाने से पहले थोड़ी सी थ्योरी वगैरह हम देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा, उस थ्योरी से मुराद क्या है, हम उसको यहाँ पर पहले कंप्लीटली देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ये डिस्कस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने प्रोसेस के अंदर जो तेजी से 5 और 6 का सेशन का रिव्यू ले रहा हूँ, सेशन 5 और सेशन 6 का मैं क्या ले रहा हूँ, इनडायरेक्टली एक रिव्यू ले रहा हूँ। और वो रिव्यू क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने प्रोसेस के अंदर क्या डिस्कस किया हुआ था कि भाई एक वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट होता है, इसके अंदर हमने पहले क्वांटिटी का अकाउंट बनाया था। क्वांटिटी का अकाउंट में हम क्या करते थे, यूनिट्स लिखते थे कि भाई पहले से 1000 यूनिट्स हैं, हमने स्टार्ट की लेट्स से 10,000 की प्रोडक्शन स्टार्ट की, हमने कंप्लीट किया लेट्स से, हमने कंप्लीट किया 8,000, तो हमारे पास कितने यूनिट्स बच गए, एंडिंग यूनिट्स बच गए 3,000। ये क्वांटिटी वाली बात थी। इसी तरीके से हम वर्किंग प्रोसेस की जब रुपीज वाला अकाउंट बनाते थे तो हम ये कहते थे कि भाई ओपनिंग बैलेंस लेट्स से 50,000 का है, हमने इसमें मटेरियल ऐड किया, लेबर ऐड की, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए, कुछ भी कॉस्ट आई, सही है, कोई भी कॉस्ट की अमाउंट आई वो सब ऐड किया, सही है। लेट्स से इन तीनों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड की 3.5 लाख की, तो टोटल 4,00,400 हमारे पास मौजूद है। तो जो गुड्स कंप्लीट की उसकी कॉस्ट कितनी थी, वो हम ईपीयू की हेल्प से या यूनिट कॉस्ट की हेल्प से कैलकुलेट करते थे और एंडिंग कॉस्ट निकालते थे। अच्छा, ये दोनों काम चाहे फीफो हो चाहे एवरेज हो, दोनों से हो सकता है, चाहे फीफो हो चाहे एवरेज हो, दोनों से हो सकता था, ये हमने किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम सिंगल डिपार्टमेंट की बात से स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाट इफ मल्टीपल डिपार्टमेंट अगर हम फॉलो कर रहे हो। एक मिनट, मेरे पास कंट्रोल के बटन का एक इश्यू आया। यस, हियर इट इज, दिस एंड दिस। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सपोज करें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसके अंदर पहले डिपार्टमेंट ए काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्वांटिटी और रुपीस दोनों मर्ज कर रहा हूँ, क्वांटिटी और रुपीस दोनों मर्ज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल प्रोसेस डिस्कस करने हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास पहले से लेट्स से 100 यूनिट्स हैं और इसकी कॉस्ट 10,000 है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेट्स से 1,000 यूनिट्स और जिसके ऊपर मैंने मटेरियल लगाया, लेबर लगाई और फैक्ट्री ओवरहेड लगाए 50,000, 50,000 और लेट्स से 70,000। तो यानी मेरे पास 1,100 यूनिट हैं लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगा चुका हूँ, 180,000। अब मैं कह रहा हूं मैंने कंप्लीट किए हैं लेट्स से 800 यूनिट्स, ठीक है। अब 800 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं तो उस 800 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है, ये वाली, एक मिनट, इसको मैं पेन को ऐड कर दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ग्रीन, ठीक है। सो यस दिस, सो इसका मतलब ये है कि इस 8 कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट कितनी है मुझे ये मालूम होना चाहिए, और एंडिंग यूनिट्स अगर 300 हैं तो वो कितने हैं। जब अब अगर आप फीफो फॉलो करेंगे तो फीफो पे भी ये निकाल सकते हैं, एवरेज पे भी निकाल सकते हैं, फीफो फॉलो करेंगे तो भी इस पे निकाल सकते हैं, एवरेज पे भी निकाल सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ए के ही जो 800 यूनिट है डिपार्टमेंट ए ने कंप्लीट तो किए, लेकिन अब अगर डिपार्टमेंट बी पे जाएंगे तो डिपार्टमेंट बी ए से प्रोसेस के यूनिट्स ये निकल के डिपार्टमेंट किस में आए, फ्रॉम ए, फ्रॉम डिपार्टमेंट ए आ रहा है यूनिट्स, क्वांटिटी और रुपीज दोनों की बात कर रहा हूँ, 800। लेकिन डिपार्टमेंट बी का भी तो ओपनिंग यूनिट्स हो सकता है, डिपार्टमेंट बी के ओपनिंग यूनिट्स कितने थे भाई, 500 थे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट बी भी मटेरियल ऐड कर रहा है, डिपार्टमेंट बी भी लेबर ऐड कर रहा है, डिपार्टमेंट बी भी फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी वही है, क्वांटिटी वही है, लेकिन इस 500 की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैं कह रहा हूँ 15,000 फॉर एग्जाम्पल। इस 800, ये जो डिपार्टमेंट आपने, ये क्वेश्चन मार्क जो मैंने रेड ग्रीन पेन से किया हुआ था, ये ग्रीन पेन की कोई ना कोई अमाउंट होगी जो आपने कैलकुलेट की होगी, वही अमाउंट यहाँ पर आएगी, वो कुछ भी हो सकती है,
इसी तरीके से जब आप मटेरियल ऐड करेंगे तो मटेरियल की कॉस्ट आ गई, लेट्स से इस डिपार्टमेंट में मटेरियल बहुत थोड़ा सा ही यूज हुआ 10,000 का फॉर एग्जांपल, लेबर ना होने के बराबर या बहुत कम यूज हुई 3,000, और फैक्ट्री ओवरहेड एग्जांपल के तौर पर लेट्स से 12,000। तो इसका मतलब सेकंड डिपार्टमेंट, पहला ये फर्स्ट डिपार्टमेंट था, अब सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर ओपनिंग भी है, प्रीवियस डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, और देन हम मटेरियल लेबर ऑफ एक्टिव एडिट कर रहे हैं। फिर अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई इन 1300 यूनिट्स में से हमने यहाँ पर बी ने कंप्लीट किए 1000 यूनिट, तो एंडिंग कितने बच गए 300। अब मेरा आपसे सवाल, ये 1000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है, ये जो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट है, लेट्स से इसके लिए कलर चेंज करते हैं, ये कॉस्ट क्या होगी और ये 300 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी। अगेन ये भी फीफो से हो सकता है, एवरेज से हो सकता है, ये भी फीफो से हो सकता है, एवरेज से हो सकता है। तो अभी जो मैं सवाल करवा रहा हूँ उस सवाल के अंदर, उस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर हम पिछली क्लास में हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट को कवर किया था, पिछली डिपार्टमेंट में हमने किसको कवर किया था, फर्स्ट डिपार्टमेंट को। इस डिपार्टमेंट के अंदर हम किसको कवर कर रहे होंगे, सेकंड डिपार्टमेंट को। अच्छा, सेकंड डिपार्टमेंट में, और अगर आगे इसी तरीके से सी डिपार्टमेंट और थर्ड डिपार्टमेंट में कोई फर्क नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सी में कहां से इंफॉर्मेशन आ रही होगी, बी से आ रही होगी, सी में कहां से इंफॉर्मेशन आ रही होगी, बी से आ रही होगी। तो इसका मतलब अगर सेकंड डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को अगर हमें ऐड करना है तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए हम ये वाला सवाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो अब मैं एक या दो क्वेरीज लूंगा जिन्होंने अभी मेरी थ्योरी